आप एडीसीए कोर्स में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो क्या-क्या लगते हैं इसके बारे में बताएंगे, और फिर ये बताएंगे कि एडीसीए में हमें क्या-क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो देखेंगे कि एडीसीए में जब हम एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज 2 फोटो और लास्ट क्वालिफिकेशन का जो जीरोक्स कॉपी होता है वो ले लेना है, और आधार कार्ड का जीरोक्स ले लेना है। ठीक है, और जो एडमिशन फी जो भी होते हैं वो आप लेके जाइए। सेकेंड नंबर ये कि हमें बोले थे कि एडीसीए सिलेबस यानी एडीसीए में क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसको हम देखेंगे। तो देखिए मेरे यहाँ जो है हम एडीसीए कोर्स को 4 सेमेस्टर में डिवाइड किए हैं। ठीक है, 4 सेमेस्टर में पर सेमेस्टर हम 3 3 मंथ्स का बनाए हैं। तो जब हम फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाते हैं तो उसमें हम बच्चे को क्या क्या चीज़ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद एम एस डॉस पढ़ाते हैं, डेस्कटॉप पढ़ाते हैं, एम एस पेंट पढ़ाते हैं, नोट पैड, वर्ड पैड, हार्डवेयर, एच टी एम एल बेसिक और ईमेल। और फिर हम जब ये सारा चीज़ पढ़ा देते हैं उसके बाद हम एक एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, फिर हम सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ाते हैं उसको देख लेते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में हम एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और इन तीनों से जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, जो काम होते हैं, वो सारा चीज़ हम सिखाते हैं। उसके बाद फिर इंटरनेट पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर हम सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेते हैं। फिर थर्ड सेमेस्टर में हम टैली इंट्रोडक्शन चलेगा, फिर अकाउंट्स ओनली, फिर अकाउंट विथ इन्वेंट्री चलता है, फिर जीएसटी चलता है, फिर हम एग्ज़ाम लेते हैं। फिर फोर्थ सेमेस्टर में एडोब फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, उसके बाद उसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट देते हैं ताकि बच्चे लोग प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर हम एग्ज़ाम लेते हैं। तो इस तरीके से हम एडीसीए कोर्स में बच्चे को ये सारा चीज़ को पढ़ाते हैं। और फिर